हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं अनु छाबड़ा. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. आज का वीडियो आई थिंक आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है. मैं आज बहुत ही सिंपल, बेसिक और गो टू मेकअप लुक करने वाली हूं. अगर आप वर्किंग हैं और वर्क प्लेस पर जा रही हैं तब तो बहुत ही कम टाइम मिलता है सारे काम निपटाने के बाद खुद को रेडी करने के लिए, तो उस केस में भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. लेकिन अगर आप होम मेकर हैं मेरी तरह, आपको कहीं बाहर जाना है या किसी से मिलने जाना है, किसी के घर पर जाना है, तो मैं किस तरह से अपने आप को पुट टुगेदर करती हूँ, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंटेबल दिखाती हूँ, अगर मेरे पास 5 मिनट होते हैं तब मैं कैसे रेडी होती हूँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स हैं तो किस तरह से थोड़े से एफर्ट्स के साथ अपने लुक को चेंज करती हूँ, सो इसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इस वीडियो का इंस्पिरेशन मैंने अपनी फेवरेट यूट्यूबर स्मिथा दीपक से लिया है. उनका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इफ़ यू वांट आप चेक कर सकते हैं. उस वीडियो से मेरा लुक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मेकअप इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस गाइज. तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके यूज किया है. इंस्पिरेशन मैंने उसी वीडियो से लिया है. सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. पर उससे पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, और अगर इस तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए. सो गाइज, आई हैव प्रेप्ड माई स्किन. मैंने अपने स्किन को वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने टोनर यूज किया है, चिया सीड का हाइड्रेटिंग टोनर. मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया है पॉन्ड्स ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. सुपर लाइट जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई भी है. अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने नाइका का सीरियल किसर लिप बाम यूज किया है. ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं, आपको घर से निकल के बस ऑफिस में ही जाना है, तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है. सनस्क्रीन लोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई कीजिए. मैंने यूज़ किया है लैक्मे सन एक्सपर्ट विथ SPF 50. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मेरे पास रेडी होने के लिए 5 मिनट हैं तो मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ. मैं अपने फेस के सभी प्रॉब्लमेटिक एरियाज को कंसील करूंगी. जहाँ भी मुझे डिस्कलरेशन है मेरे अंडर आई एरिया पर और थोड़े से एक्ने स्पॉट्स जो हैं, सिर्फ वहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी. आप प्रेफर करें कि आप जो भी कंसीलर यूज करें वो आपके स्किन टोन का होना चाहिए. उससे बहुत ज़्यादा लाइट कलर का कंसीलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप अपने डिसकलरेशन पर लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करेंगे वो थोड़ी देर में ग्रे हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड क्रीमी बेज. अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे ये कंसीलर बहुत ही पसंद है. बिल्कुल लाइट वेट है और ये शेड मेरे स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट मैच है. इस शेड में थोड़ा सा पीच अंडरटोन भी है, इससे मेरे डार्क सर्कल जो हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे. इसे मैं अपर लिप्स पर भी लगाऊंगी क्योंकि यहाँ भी मुझे बहुत ज्यादा डार्कनेस है, अपने एक्ने स्पॉट्स पर भी. इफ यू वॉन्ट आप इस कंसीलर को अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं. बहुत ही ईजी है और आपका प्रोडक्ट भी जो है बिल्कुल भी सोक नहीं होता है, ना किसी ब्रश में ना स्पॉन्ज में, और ब्यूटी स्पॉन्ज को सोक करने की टेंशन भी नहीं रहती है. बट मुझे अपने कंसीलर को ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्लेंड करना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसी से कर रही हूँ. आप चाहें तो फिंगर्स यूज कीजिए या किसी ब्रश का भी यूज कर सकते हैं. आप मेक श्योर करें कि इस कंसीलर के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करें ताकि यहाँ पर कोई हार्श लाइन ना दिखे. ऐसा नहीं दिखे कि आपने स्किन, यहाँ पर आपकी ओरिजिनल स्किन है और यहाँ पर आपने कुछ लगाया हुआ है. इसलिए मैंने बोला कि आप अपने स्किन टोन का कंसीलर ही यूज करें. मैं यूज करूंगी मेबलिन का फिट मी पाउडर इन द शेड लाइट. इस पाउडर को भी मैं ब्यूटी स्पॉन्ज से ही लगाऊंगी ताकि मुझे थोड़ा कवरेज भी मिले.
पाउडर को मैं अपने टी जोन एरिया पर लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑयली हो जाता है. अपने फेस को इवन टोन करने के बाद अपने आईब्रोज मुझे बिल्कुल ब्लैंक दिखते हैं. काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स एरियाज हैं इसमें, तो इसे फिलअप करना मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि हमारे फेस को एक डायमेंशन देते हैं आईब्रोज. इसलिए आईब्रोज को आप ज़रूर कीजिए, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए. और जल्दी में आईब्रो पेंसिल सबसे ज़्यादा हैंडी रहती हैं. मैं यूज़ करूँगी निका के की आईब्रो पेंसिल. इसे मैं स्पूली से ब्रश कर लूंगी. यू कैन सी कि आईब्रोज कितने ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके लुक में. अपनी आईज के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बट एक स्टेप जो बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ वो है कर्लिंग माई लैशेज और अप्लाई मस्कारा. उसी से ही मेरी आईज काफी ओपन अप दिखती हैं और थोड़ी सी डिफाइन दिखती हैं. अगर आप काजल गर्ल हैं, आपको काजल पसंद है, तो डेफिनेटली काजल अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ अपने लैशेज को कर्ल करूंगी और मस्कारा लगाऊंगी. मस्कारा के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा. अब लिपस्टिक की चॉइस बिल्कुल आपकी है. अगर आपको बोल्ड लिप पसंद है तो आप डेफिनेटली बोल्ड लिप्स कैरी कर सकते हैं. अगर आपको न्यूड्स पसंद है तो न्यूड्स कैरी कर सकते हैं. सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन करूंगी. आई एम यूजिंग नाइका लिप लाइनर इन द शेड पिलो फाइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लिप लाइनर्स बहुत ही पसंद हैं. ये शेड काफ़ी अपने आप में न्यूड है, पीछी न्यूड कलर है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है. मैं इस तरह से भी एज इट इज इसे लगा लेती हूँ. बट इसके ऊपर आज मैं यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड नवंबर और इसे मैं अपने लिप्स के सेंटर में अप्लाई करूँगी. और इससे ब्लेंड कर दूंगी. सो गाइज, अगर मेरे पास 5 मिनट होते हैं तो मैं इसी तरह से अपने लुक को कैरी करती हूँ. बट अगर मेरे पास 10 मिनट है तो डेफिनेटली मैं इस लुक में फाउंडेशन भी ऐड करूंगी. फाउंडेशन जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट बन गया है, वो है लॉरियल का इनफॉलिएबल 24 आवर फाउंडेशन. और इसे अपने फेस के बाकी एरियाज में अप्लाई करती हूँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया है. इसे मैं ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करती हूँ क्योंकि ब्रश से फाउंडेशन बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है और कवरेज भी मिलती है. अब फाउंडेशन के बाद मैं अपने फेस को फिर से सेट करूंगी और मैं सेम लूज पाउडर यूज कर रही हूँ. फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मुझे मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट दिखता है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा वार्म्थ होना चाहिए. ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है. अगर आपको लगता है कि आपका फेस फाउंडेशन के बाद एज इट इज अच्छा दिख रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. बट मुझे पसंद है अपने फेस को ब्रॉन्जअप करना और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ब्रॉन्जर. इससे मेरे फेस को डायमेंशन मिलेगा और मेरी स्किन भी वार्म लगेगी. You can see the difference in both the sides. ये जॉ लाइन को भी मैं करती हूँ क्योंकि डबल चिन भी है.
फेस पर थोड़ा सा फ्लश ऑफ कलर के लिए ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का ब्लश पैलेट, और इसमें से मैं ये पीच शेड लेती हूँ और थोड़ा सा पिंक, क्योंकि ये ब्लश पैलेट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो डेली वेयर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग ब्लश आता है ये। अपने फेस को क्विकली सेट करने के लिए मैं यूज करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो गाइस दिस इज माय 10 मिनट्स मेकअप लुक। अगर अब मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं डेफिनेटली अपने आईज पर वर्क करती हूँ। मुझे विंग लाइनर बहुत ही पसंद है और विंग लाइनर लगाने के लिए आपको अच्छे 5 से 10 मिनट चाहिए अगर आपको इक्वल विंग लाइनर चाहिए तो। आईज के लिए मेरी गो टू पैलेट है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट रोजे इन द एयर। तो सबसे पहले मैं इस पैलेट में से ये ट्रांजिशन कलर लेती हूँ और ब्रश में यूज कर रही हूँ मॉर्फी का M330 ब्रश, ये पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश है और इसे मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड कर। सेम शेड को मैं नीचे लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड करूंगी सेम ब्रश की हेल्प से। अब नेक्स्ट मैं ये शिमरी लाइट गोल्ड कलर ले रही हूँ और इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी। अब मैं विंग लाइनर अप्लाई करूंगी और मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लाइनर। आईज को थोड़ा और डेफिनेशन देने के लिए मैं एक पेंसिल ब्रश यूज कर रही हूँ और पैलेट में से ये डार्क ब्राउन कलर लूंगी और इसे ब्रश के सिर्फ टिप पर अप्लाई करूंगी और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन के बिल्कुल पास में पैक करूंगी। कि अब काफी हद तक मैंने फुल फेस ऑफ मेकअप अप्लाई कर लिया है तो मुझे लगता है मुझे हाइलाइटर को स्किप नहीं करना चाहिए। डे टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही सटल हाइलाइट मुझे पसंद है। मैं यूज़ करने वाली हूँ कलर पॉप का हाइलाइटर इन द शेड लंच मनी और इसे मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। ये है मेरा 15 मिनट्स 20 मिनट्स जितने भी मिनट्स आप कहिए। अगर मुझे कहीं जाना होता है बहुत जल्दी होती है तो मैं इसी तरह का लुक कैरी करती हूँ। इस लुक को एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि आप भी क्रिएट करें, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं या जो चीज़ आपको पसंद है जो आपके फेस पे सूट करता है आप उसी तरह से इस लुक में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लाइनर पसंद नहीं है या लाइनर लगाने में आपको टाइम लगता है तो आप सिंपली काजल लगा सकते हैं या आप लाइनर लगाने के बाद उसे स्मज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सिंपली आप बोल्ड लिप्स रख सकते हैं अगर आपको न्यूड लिप्स पसंद नहीं है, आप अपनी आईज को सिंपल रख सकते हैं और लिप्स को बोल्ड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा और आपने इसको थोड़ा सा इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।